फ्रेंड्स, आज हम क्लास फोर्थ का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन फोर्थ रीड करेंगे, जिसका नाम है 15th अगस्त। 15th अगस्त के बारे में आप सभी जानते हैं। 15th अगस्त को क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंस डे, ये आप सभी जानते हैं, मतलब स्वतंत्रता दिवस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए कन्वर्सेशन दी गई है एक टीचर और एक क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत है, इसको हम पढ़ेंगे। अब ये जो टीचर है, टीचर से स्टूडेंट्स 15th अगस्त के बारे में पूछते हैं, तो ये हम रीड करेंगे। टीचर कहते हैं सबसे पहले, चिल्ड्रन, इट विल बी 15th अगस्त टुमारो, वी विल सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे। टीचर बोलती है कि चिल्ड्रन, कल 15th अगस्त है और कल हम अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो एक स्टूडेंट है कृति, वो बोलती है सर व्हाई डू वी सेलिब्रेट इट, वो पूछती है क्वेश्चन कि हम इसको क्यों मनाते हैं। टीचर बोलते हैं इट इज अवर नेशनल फेस्टिवल, अवर कंट्री गॉट इट्स फ्रीडम ऑन दिस डे। टीचर बोलते हैं कि ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्योहार है और इस दिन हमको आजादी मिली थी, हमारी कंट्री को आजादी मिली थी। सोनू नाम की एक स्टूडेंट है, वो बोलती है सर हाउ डिड इंडिया गेट फ्रीडम, बोलती है, वो पूछती है कि इंडिया को फ्रीडम कैसे मिली थी, इंडिया को आजादी कैसे मिली थी। टीचर बोलते हैं मैनी इयर्स अगो द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर बिजनेस, इन दोज डेज द रूलर्स ऑफ इंडिया फॉट विद ईच अदर, द ब्रिटिश गैदर्ड एन आर्मी एंड डिफीटेड देम वन बाय वन, आफ्टर सम टाइम दे हैड फुल कंट्रोल ओवर अवर ओवर ऑल ओवर इंडिया। वो कहती है कि टीचर बोलते हैं कि बहुत साल पहले जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे, हमारी कंट्री में आए थे बिजनेस करने के लिए, तो उन्होंने हमारी कंट्री के लोगों से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे अपना पैर उसमें जमा लिया था और पूरे इंडिया पर वो राज करने लगे थे। तो विकास नाम का एक स्टूडेंट है, वो बोलता है सर वी हियर दैट ब्रिटिश डू नॉट लाइक अस, हमने सुना है ऐसा कि ब्रिटिश जो है वो हमें लाइक नहीं करते, हमें पसंद नहीं करते हैं। तो टीचर बोलते हैं यस दे ट्रीटेड द इंडियन पीपल्स वेरी बैडली, वी वर लाइक स्लेव्स, अवर लीडर्स डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, दे स्टार्टेड फ्रीडम मूवमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट बीट देम एंड सेंड देम टू जेल्स, सम ऑफ देम वर हैंग्ड टू। टीचर बताते हैं उनको कि हाँ, जो इंडियन पीपल्स हैं उनको ब्रिटिशर्स लाइक नहीं करते थे और वो नौकरों की तरह उनसे व्यवहार करते थे, तो हमारे लीडर्स जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम उनसे फाइट करेंगे ब्रिटिशर्स से, और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट चालू किया। और फ्रीडम मूवमेंट उन्होंने चालू किया था तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था उस टाइम पे कि वो हमारे देश के जो लीडर्स थे उनको जेल भेज दिया था, और जेल भेजने के बाद उन कुछ लीडर्स को फांसी पर भी चढ़ा दिया था। तो कपिल नाम का एक स्टूडेंट है, वो बोलता है देन सर हाउ डिड दे मेक फ्री इंडिया, तो उसने पूछा कि फिर हमारे इंडिया को फ्री कैसे किया गया। टीचर बोलते हैं अवर ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल एंड सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया, हिस्सा लिया, और उन्होंने ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिशर्स जो थे उनको इंडिया से बाहर निकालने के लिए फोर्स किया। और उसके बाद सबसे लास्ट में 15th अगस्त 1947 को जो ब्रिटिशर्स थे वो इंग्लैंड वापस चले गए और इंडिया को उसकी आज़ादी मिल गई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। ही होस्टेड द फ्लैग, वो नेशनल फ्लैग जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको रेड फोर्ट पर फहराते थे। तो चिल्ड्रन बोलते हैं, सारे बच्चे बोलते हैं फिर, वी ऑल लव इंडिया, वी विल नॉट फाइट विद ईच अदर, वी विल कंप्लीट अवर एजुकेशन एंड सर्व अवर इंडिया विद ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, वी विल वर्क टुगेदर एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग इंडिया, वी प्रॉमिस यू सर। सारे बच्चे बोलते हैं कि हम अपनी कंट्री से बहुत
प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करके हम आगे बढ़ेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे और हम सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इंडिया, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से जो टीचर हैं, टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि 15 अगस्त कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, और इसमें लीडर्स के नाम भी उन्होंने बताए। तो ये आपके लेसन आ गया होगा समझ में, आप इसकी रीडिंग करेंगे और जो ना आए समझ में वो आप पूछ सकते हैं।